थाना बड़वानी पुलिस द्वारा ऑपरेशन प्रहार के तहत अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले आरोपी को 900 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान प्रहार के तहत बड़वानी पुलिस अधीक्षक DR तेनीवार द्वारा इस अभियान को ध्यान रखते हुए और आगामी त्योहारों को भी ध्यान में रखते हुए अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए हैं, जिसमें थाना बड़वानी के थाना प्रभारी TI राजेश यादव ने टीम गठित की गई और सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर मनावर कुक्षी की तरफ से आने वाला है। सूचना पर कोतवाली पुलिस ने प्रभावी एक तत्काल कार्यवाही करते हुए भीलखेड़ा रोड साई अस्पताल के पास नाकाबंदी एवं घेराबंदी कर आरोपी मुरलीराज पिता लागूदास बैरागी उम्र 52 वर्ष निवासी भीलखेड़ा बसाहट को पकड़ा, जिसमें पुलिस ने तलाशी ली तो उनके पास से 900 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा प्राप्त हुआ। पुलिस आरोपी को पकड़कर थाने लेकर आई है। अवैध मादक पदार्थ गांजे के बारे में पूछताछ की जा रही। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। पिछले महीने जो है पुलिस मुख्यालय से जो है ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है, जिसमें मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए। उसी में जो है SP सर के निर्देशन में जो है हम लोग कार्रवाई कर रहे थे। हमें कल मुख्य सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो है मनावा तरफ से गांजा लेके आने वाला है, भीलखेड़ा तरफ आएगा। उस सूचना पर हमने जो है जो साई हॉस्पिटल है वहाँ पर नाकाबंदी की और मुखबिर के बताए अनुसार जैसे ही वो व्यक्ति आया तो उसको वहाँ पे घेराबंदी करके पकड़ा गया। जब उसको पकड़ के उससे पूछताछ की गई तो उसके पास बैग था। बैग की तलाशी लेने पर उसमें जो है मादक पदार्थ गांजा होना पाया गया। तो पुलिस की तत्काल उसको जो है NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए गांजे को जब्त कर लिया, विधिवत आरोपी को गिरफ्तार किया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।